जनरली ये बात एक मिस्ट्री जैसी लगती है, क्योंकि जो मोटोरोला के स्मार्टफोन्स हैं उनको ओवरऑल एक बेस्ट स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स की या फिर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ब्रांड्स की, तो वहाँ पर मोटोरोला ब्रांड का नाम शायद ही कहीं पर आ पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की डेट में भी जो मोटोरोला के स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें जो कैमरा सिस्टम दिया गया होता है वो इतना वीक क्यों है कि हर प्रोफेशनल, हर टेक एंथुसियास्ट या फिर हर टेक रिव्यूअर उसे रिजेक्ट कर देता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक जनरल बात करें तो एक स्मार्टफोन के कैमरा सिस्टम में चार चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। पहली चीज़ हो गई कैमरा सेंसर साइज़, दूसरी चीज़ हो गई अपर्चर, तीसरी चीज़ हो गई मेगा पिक्सल्स और चौथी चीज़ हो गई इमेज प्रोसेसिंग या फिर जिसे हम बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। एक कैमरा सिस्टम को पूरी तरीके से परिपूर्ण बनाने में ये चार चीज़ों का अहम योगदान रहता है। अब अगर हम बात करें कि मोटोरोला के स्मार्टफोन्स इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी क्यों वीक रह जाते हैं, यानी कि जो उनका कैमरा सिस्टम होता है वो कॉम्पिटिशन को क्यों नहीं हरा पाता, उनसे क्यों नहीं आगे जा पाता, तो यहाँ पर भी हमने तीन पॉइंट्स पर मेजरली बात की हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की, जो है R&D टीम के रिगार्डिंग। अब अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेसिफिक मोटोरोला कंपनी की, तो मोटोरोला कंपनी के पास जो कैमरा के रिगार्डिंग R&D टीम है वो काफ़ी छोटी है। अगर हम यहाँ पे बात करें गूगल कंपनी की, एप्पल कंपनी की, सैमसंग कंपनी की, तो यहाँ पर जो उनके R&D टीम है वो काफ़ी बड़ी है। अगर हम बात करें सिर्फ उनके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मोटोरोला। मोटोरोला कंपनी के पास ओवरऑल हर सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ की तादाद है वो बहुत कम है। ये एक पहला रीज़न हो जाता है R&D टीम के पॉइंट के अंदर। दूसरा रीज़न यहाँ पर निकल कर आता है वो है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। अब इमेज प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बात की जाती है, तो यहाँ पर जो गूगल कंपनी है, एप्पल कंपनी है, इन्हें हार्डवेयर में भी महारत हासिल है और सॉफ्टवेयर में भी महारत हासिल है। लेकिन यहाँ पे जो मोटोरोला कंपनी है वो हार्डवेयर में तो हो सकता है अच्छा कर ले, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, और हर सेगमेंट में आज तक मोटोरोला सॉफ्टवेयर के मामले में पिछड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मत लेना, लेकिन अगर हम बात करें उनके ऐप डिज़ाइनिंग की या फिर कैमरा सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो वहाँ पर अच्छे खासे तरीके से पिछड़े हुए हैं। अब एक चैलेंज और हो जाता है मोटोरोला कंपनी के लिए, और वो ये है कि जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो हर डिवाइस के लिए अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। अब मोटोरोला कंपनी के पास जो स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, और उनकी जो R&D टीम में लोग काम करते हैं वो काफ़ी कम है। अब वो हर एक स्मार्टफोन के हिसाब से अच्छे खासे तरीके से जो R&D होती है या फिर जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ कम है, इमेज प्रोसेसिंग हर डिवाइस के लिए करना इम्पॉसिबल सा एक हिसाब से। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सैमसंग कंपनी की, गूगल कंपनी की, एप्पल कंपनी की, तो गूगल और जो एप्पल कंपनी, इनके पास तो लिमिटेड स्मार्टफोन्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से R&D भी कर सकते हैं, उसमें इमेज प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, तो इनके लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, और उनके पास एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा हैं, तो उनकी जो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर में महारत हासिल है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला जैसे कंपनी के पास जो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी लिमिटेड हैं, तो इन्हीं लिमिटेड चीज़ों की वजह से जो मोटोरोला की जो इमेज प्रोसेसिंग है वो कमज़ोर पड़ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे रीज़न की, तो जो दूसरा पॉइंट है बेसिकली, तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है वो है कैमरा सेंसर्स के रिगार्डिंग। अब जो कैमरा सेंसर्स होते हैं वो एक स्मार्टफोन के जो भी कैमरा सिस्टम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। अब मोटोरोला कंपनी क्या करती है, आज से कुछ साल पहले की अगर बात करें, तो कुछ साल पहले तक जो मोटोरोला कंपनी थी वो सोनी के कैमरा सेंसर्स को यूज़ किया करती थी। लेकिन आज की डेट में जो मोटोरोला कंपनी है वो तो या सैमसंग के कैमरा सेंसर्स को यूज़ करती है या फिर ओमनी विजन के कैमरा सेंसर्स को यूज़ करती है। उन्होंने एक हिसाब से जो सोनी के कैमरा सेंसर्स को यूज़ करने का काम होता है वो पूरे के पूरे तरीके से छोड़ दिया है। अभी की डेट में जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जितना मुझे याद है और जितनी मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से जो मोटोरोला का लास्ट फ़ोन था जो सोनी कैमरा सेंसर्स के साथ आया हुआ था वो था मोटोरोला एज प्लस, जो कि ओरिजिनल वे में मोटोरोला एज सीरीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उसके बाद से जितने भी मोटोरोला के स्मार्टफोन्स अभी तक आए हैं उनमें या तो ओमनी विजन के सेंसर्स यूज़ किए गए हैं या फिर सैमसंग कंपनी के। तो जो सैमसंग कंपनी है, जो ओमनी विजन कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये कैमरा सेंसर्स के मामले में बुरी कंपनीज हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजी मेकर
कंपनी के बारे में, तो वो यहाँ पर सोनी ही निकल कर आती है। सोनी की मोनोपोली है इन सारी चीज़ों में, यानी कि जो कैमरा सेंसर होता है, कैमरा सेंसर की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, इनमें मोनोपोली है और काफ़ी अच्छे से वो लोग यूटिलाइज करते हैं उन चीज़ों को। जिस तरीके से हम देखते हैं आईफोन में, अधिकतर वे में आपको सोनी के कैमरा सेंसर्स ही देखने को मिलेंगे। जो सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं वहाँ पर भी सैमसंग अपने कैमरा सेंसर्स को यूज़ करता है, लेकिन वहाँ पर भी अधिकतर केसेस में वो लोग ये चीज़ करते हैं कि वो लोग भी सोनी के कैमरा सेंसर्स को यूज़ करते हैं। गूगल भी सोनी के कैमरा सेंसर्स को यूज़ करता है, यहाँ तक कि जो वन प्लस कंपनी है वो भी सोनी के कैमरा सेंसर्स को यूज़ करती है। अब मोटोरोला कंपनी क्यों नहीं कर रही सोनी के कैमरा सेंसर्स को यूज़, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तीसरे पॉइंट में। और तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, और वो है प्राइस डिफरेंस या फिर प्राइस गैप के रिगार्डिंग। अब आज की डेट में अगर हम मोटोरोला के स्मार्टफोन्स देखें तो ये चीज़ पाएंगे कि मोटोरोला कंपनी कॉम्पिटिशन में घुस चुकी है, यानी कि शाओमी, रियलमी और भी जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन कर रही है। अब अगर कोई भी कंपनी कहीं भी कॉम्पिटिशन करती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेसिटी होती है या फिर कैपेबिलिटीज़ होती है और कामों की करने की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंपटीशन में जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपको मतलब ये हो सकता है कि जितने आप स्मार्टफोन्स पहले बेचा करते थे जिस समय कंपटीशन नहीं था, तो उस हिसाब से आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रहे थे, तो आप उसे R&D टीम में लगा सकते थे या फिर बहुत सारे रिसर्च वगैरह कर सकते थे। लेकिन अब की बार में जितना आप कंपटीशन में जाएंगे उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा और उतना ही कम आप अपनी कंपनी के ऊपर या फिर अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो मोटोरोला कंपनी के साथ क्या सीन है कि वो लोग क्या करते हैं, पहले अगर वो फ्लैगशिप फ़ोन्स को लॉन्च किया करते थे तो वो 70-80-90 हज़ार के करीबन फ्लैगशिप फ़ोन्स की कॉस्ट उनकी होती थी। लेकिन आज की डेट में जो फ्लैगशिप फ़ोन्स की कॉस्ट हो गई है वो कितनी हो गई है, 40-50-55 इतनी हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कंपटीशन में जाने के लिए खुद से कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। वो सोनी के कैमरा सेंसर से अपने आप को बेटर बना सकते थे लेकिन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कंपटीशन में लड़ना है, और कंपटीशन में लड़ने के लिए उन्हें सैमसंग के ओमनीविजन के कैमरा सेंसर्स को यूज़ करना है, जो कि उतनी अच्छी खासी क्वालिटी एक स्मार्टफोन में नहीं दे सकते हैं जितना कि सोनी का कैमरा सेंसर दे सकता है। बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, ये मेरे 3 अपने पर्सनल रीज़न थे और 3 अपने पर्सनल पॉइंट पे मैंने यहाँ पे बात की हुई है। तो गाइज़ अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो मैं जब तक मैंने वीडियो की शुरुआत की थी वो काफ़ी अच्छे खासे तरीके से कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी जल्दी जल्दी ये वीडियो बनानी पड़ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो ये कैमरा डिपार्टमेंट वाला पूरा का पूरा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम 5-10 मिनट में इजीली बात नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और एक मतलब जिस दिन मैं फ्री होऊंगा उस दिन मैं एक काफ़ी डिटेल वीडियो इस पर लाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मोटोरोला के स्मार्टफोन्स आखिरकार किन किन वजहों से वीक है। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए मेजरली, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं और इन 3 पॉइंट्स पर भी हम वहाँ पर जब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। मैं पंकज आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।